हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके अध्याय 11 विद्युत एवं आधारभूत संरचनाओं पर। ठीक, ध्यान समझते हुए चलिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक करेक्शन आप लोगों को करवाना है। जब हम पढ़ रहे थे आपके अध्याय 8 वानिकी के अंतर्गत हमने देखा था आपका फॉरेस्ट कवर यानी कि आपके वनावरण के आधार पर हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है, जिसमें पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर मैंने बताया था आपका आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर बताया था छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड पोजीशन है उसे करेक्ट कीजिएगा। बाई मिस्टेक जो है आपके अरुणाचल प्रदेश की जगह मैंने वहां पर बता दिया है आपको आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट कवर के आधार पर छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है, पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर है आपका अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश को कट करके आप अरुणाचल प्रदेश कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अध्याय 11 विद्युत एवं आधारभूत संरचना, विद्युत गैस और जलापूर्ति। देखिए, जीएसडीपी में विद्युत गैस और जलापूर्ति की भागीदारी है आपका 9.08%, 9.08% की भागीदारी है। छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार है 2,43,476 करोड़ रुपए, तो इस 2,43,476 करोड़ रुपए में से 9.08% की भागीदारी स्थिर कीमतों पर है आपके विद्युत गैस और जलापूर्ति। ये तीनों को एक साथ लिया जाता है, विद्युत गैस और जलापूर्ति को। आज तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी इसे याद रखिए। ठीक, अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल इंपॉर्टेंट है, यहां से हर एक लाइन जो है आपका एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ, आया हुआ प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन हुआ आपका 15 नवंबर 2000। ईयर भी याद करना है, मंथ भी याद करना है, डेट भी याद करना है, तीनों इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई, 15 नवंबर 2000 को आपके छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई। देखिए, इस छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत हमारे प्रदेश में कुल विद्युत उपभोक्ता मौजूद है वित्तीय वर्ष 2018-19 की स्थिति में 56.10 लाख, यानी कि 56,10,000 जो है आपके विद्युत उपभोक्ता मौजूद है हमारे प्रदेश में। ठीक, देखिए, राज्य की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है, राज्य की स्वयं की, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्वयं की यानी कि खुद की मतलब, देखिए, छत्तीसगढ़ में जो विद्युत उत्पादन जो कंपनी है, बहुत सारे आपके छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के भी उपक्रम है और केंद्र सरकार के भी उपक्रम है। छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के उपक्रम मतलब जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया, जो गंगरेल डैम हो गए, इसके अलावा जो आपके मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र हो गए, ये सभी आपके राज्य सरकार के उपक्रम है। ये छत्तीसगढ़ सरकार के स्वयं के है, यानी कि स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता है। अब देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के भी उपक्रम है, केंद्र सरकार का मतलब एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि केंद्र सरकार का उपक्रम है, वो इसमें काउंट नहीं होता। तो यहां लिखा हुआ क्या है, राज्य की स्वयं की, यानी कि जो राज्य सरकार की जो उपक्रम है, तो राज्य की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता है आपका 3224.70 मेगावाट। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3224.70 मेगावाट। पिछले साल तक ये जो आपका डाटा था, ये था आपका 34.70 मेगावाट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रदेश की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता में 200 मेगावाट की कमी हुई है। ठीक है, 200 मेगावाट की कमी हुई है और वर्तमान में प्रदेश की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता है 3224.70 मेगावाट। और कमी क्यों हुई है, आगे हम टेबल में देखेंगे। ठीक है, देखिए, तो ये है हमारे प्रदेश की आपकी स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता। इस 3224.70 मेगावाट में से आपके तापीय विद्युत क्षमता जो है वो है आपका 3080 मेगावाट, वो है आपका 3080 मेगावाट। ये जो तापीय विद्युत क्षमता है, इस तापीय विद्युत क्षमता में ही कमी हुई है। तापीय विद्युत क्षमता जो है पिछले साल तक थी आपकी 3280 मेगावाट। ठीक है, पिछले साल तक जो था ये था आपका 3280 मेगावाट, 200 मेगावाट की कमी दर्ज की गई और वर्तमान में ये है आपका 3080 मेगावाट। ठीक, तापीय विद्युत क्षमता यानी कि जो कोयले को जला करके जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है वो कहलाता है तापीय विद्युत क्षमता। जलीय विद्युत क्षमता यानी कि जो है आपकी जल की शक्ति का प्रयोग करके टर्बाइन को घुमा करके जो आपकी विद्युत उत्पादन किया जाता है, और अन्य के अंतर्गत आगे हम देखेंगे भोरमदेव सह उत्पाद को। तो तापीय विद्युत क्षमता है आपका जो है वो है 3080 मेगावाट, जलीय विद्युत क्षमता है 138.70 मेगावाट, जबकि अन्य है आपका 6 मेगावाट। अगर आप ये तीनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3224.70 मेगावाट। ठीक, देखिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
ये जो आपका वर्तमान में हमारे प्रदेश की स्वयं की जो स्थापित विद्युत क्षमता है वो है आपका 3224.70 मेगावाट। वर्ष 2000 में हमारे प्रदेश की जो विद्युत क्षमता थी वो थी आपकी 1360 मेगावाट। हमारे प्रदेश की जो विद्युत क्षमता थी वो थी आपकी 1360 मेगावाट, 1360 मेगावाट। ये कब का डाटा है? 2000, यानी कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। वर्तमान में है आपका 3224.70 मेगावाट, वर्तमान में 3224.70 मेगावाट। तो इस आपके 2000 से लेकर के 2019 तक, यानी कि इन 19 सालों में प्रदेश की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता में 137% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा तो गया नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात जो है अभी वर्तमान में वर्ष 2019 तक की स्थिति में प्रदेश की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता में कितने प्रतिशत की अभी वृद्धि दर्ज की गई पूछा जाए तो वो है आपका 137% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ग्राम विद्युतीकरण। ग्राम विद्युतीकरण यानी कि गांव का विद्युतीकरण। देखिए, प्रदेश में ग्रामों की संख्या जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में जो आपके ग्रामों की संख्या है वो है आपका 19,567 ग्राम, 19,567 ग्राम मौजूद है। ठीक, अभी वर्तमान स्थिति में हमारे प्रदेश के कितने ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है पूछा जाए तो प्रदेश के 100% गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। प्रदेश में जो आपके जनगणना 2011 के अनुसार जो 19,567 ग्राम मौजूद थे उन सभी गांवों में आपके इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी गई है। कोई कमेंट करके ये नहीं बोलेगा कि मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, सब गवर्नमेंट के आंकड़ों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ऐसा उलझुल की कमेंट मत कीजिएगा नीचे। प्रदेश में वर्तमान में जो आपके 19,567 ग्राम जो मौजूद है जनगणना 2011 के अनुसार वो उन सभी गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है, यानी कि 100% गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। देखिए, इन आपके 19,567 गांवों में से 18,250 गांव, 18,250 गांवों को परंपरागत तरीके से जो है आपका उन्हें जो है आपका विद्युत सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उन्हें प्रोवाइड किया गया है परंपरागत तरीके से। यानी कि जैसे उसमें क्या है, जैसे आपके जो तापी है, तापी विद्युत जो आपकी गृह है उससे जो है आपके लाइन्स बिछा करके, इलेक्ट्रिसिटी खंभे लगा करके, लाइन आपके तारे बिछा करके उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गया है। बाकी बचे हुए जो आपके 1317 ग्राम जो है इन्हें गैर परंपरागत तरीके से जो है इन्हें आपके विद्युत यानी कि इन्हें जो है बिजली मुहैया कराया गया गैर परंपरागत तरीके से, यानी कि सोलर पैनल के माध्यम से उनके घरों के छतों पर सोलर पैनल लगा करके जो है आपका इन्हें विद्युतीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जो आपके ग्रामों का विद्युतीकरण का स्तर क्या है तो वो है आपका 100%, यानी कि 100% जो आपके गांव है उन्हें विद्युतीकृत किया जा चुका है। ठीक है, और ये जो आपके गैर परंपरागत से एक चीज याद रखिएगा, हमारे प्रदेश में जो है आपके अक्षय ऊर्जा यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित जो आपके कार्य करने वाली संस्था है उसका नाम है आपका क्रेडा। प्रश्न पूछा जाएगा कि क्रेडा का संबंध है कृषि से, खेल से, ठीक है, कृषि से, खेल से, विद्युत से, ऊर्जा से, ऐसे करके पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसका संबंध है ऊर्जा से, विद्युत ऑप्शन में नहीं आएगा। तीन चार ऑप्शन आएगा जैसे खेल से हो गया, कृषि से हो गया, सिंचाई से हो गया या ऊर्जा से हो गया, ध्यान दीजिएगा क्रेडा का संबंध है आपके ऊर्जा से, गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है आपका क्रेडा का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मुख्य बिंदु 2018-19। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है उसको याद रखिएगा। हमारे प्रदेश में वर्तमान में जो है आपके बिजली उपभोक्ता यानी कि विद्युत जो उपभोक्ता है उनकी संख्या है आपका 56.10 लाख, यानी कि 56.10 लाख जो है आपके विद्युत उपभोक्ता मौजूद है। इन 56.10 लाख में से आपके BPL यानी कि जो आपके बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं वो है आपके 34%, यानी कि आपके 56 लाख में से 34% जो है ये आपके BPL है। घरेलू उपभोक्ता है आपके 48%, जबकि औद्योगिक जो उद्योगों में जो आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज किया जाता है तो औद्योगिक यानी कि इनकी आबादी है आपका 0.64%। ठीक है, 56 में से 0.64%। इसके अलावा भी और बहुत सारे परसेंटेज है लेकिन आपके लिए तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए, प्रदेश की जो आपकी क्षमता है, प्रदेश की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है आपके 3224.70 मेगावाट।
विद्युत का उत्पादन इस पिछले वित्तीय वर्ष में हमारे प्रदेश में जो है आपका 21,550 मिलियन यूनिट जो है आपकी विद्युत का उत्पादन हुआ। प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति एक साल में कितने विद्युत का खपत करता है, तो हमारे प्रदेश में एक व्यक्ति एक साल में 1072 यूनिट विद्युत का खपत करता है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र। मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र ये स्थापित किया गया आपके वर्ष 2016 में जो है आपके मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र जांजगीर चांपा जिले में स्थापित किया गया। एक चीज याद रखिएगा, एक है आपके मंडवा रानी माता का मंदिर जो कि कोरबा और जांजगीर चांपा की सीमा में कोरबा जिले में मौजूद है, और उसी मंडवा माता मंदिर के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र। माता का मंदिर है आपके कोरबा जिले में, जबकि ये ताप विद्युत संयंत्र कहां पर है, ये है आपके जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है, कब स्थापित किया गया, वर्ष 2016 में। इसकी क्षमता है आपका 1000 मेगावाट, यहां पर आपके 500 मेगावाट की दो इकाइयां मौजूद है। वर्ष 2018 में इस मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है आपके अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र। प्रश्न पूछा जाएगा मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में है, तो जांजगीर चांपा जिले में, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में है, तो यह है आपका जांजगीर चांपा जिले में। मंडवा तेंदुभाटा जो आपका विद्युत संयंत्र है वहां से जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, जो विद्युत संयंत्र है यह आपका तापीय विद्युत संयंत्र है, तापीय है, जलीय है, तो ध्यान दीजिएगा यह आपका तापीय विद्युत संयंत्र है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता, सबसे पहले हम देखेंगे आपके तापीय क्षमता। देखिए, यह है विद्युत गृह का नाम, यह है इनकी इकाइयों के नाम, और यह है क्षमता। देखिए, कोरबा जिले में है आपका कोरबा फर्स्ट, कोरबा सेकंड, कोरबा थर्ड, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, इसका अन्य नाम है कोरबा पश्चिम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोरबा पश्चिम विस्तार, और सबसे एंड में है आपका मंडवा ताप विद्युत संयंत्र जांजगीर चांपा। देखिए, इसके साइड में जो है इसके परिचालन वर्ष को भी थोड़ा लिख लीजिएगा, जिन लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे लिया हुआ है उसमें परिचालन वर्ष भी दिया गया है। परिचालन वर्ष से कभी कभार फूटी किस्मत हुई तो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसकी इकाइयां। देखिए, जो आपका कोरबा फर्स्ट है ये आपका ऑलरेडी बंद हो चुका है, कोरबा फर्स्ट बंद हो चुका है। कोरबा सेकेंड, जहां पर आपके 50 मेगावाट की 4 इकाइयां है, इसकी टोटल क्षमता होगी कितनी, 4 को आप 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, मिलेगा 200, यानी कि 200 मेगावाट इसकी क्षमता है। कोरबा थर्ड, जहां पे आपके 120 मेगावाट की 2 इकाइयां मौजूद है, तो इसकी कुल क्षमता है आपका 240 मेगावाट, 120 मेगावाट की 2 इकाइयां है तो इसकी क्षमता है आपका 240 मेगावाट। ठीक, 120 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 240 मिलेगा। नेक्स्ट है हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, या इसे ही कहा जाता है आपका कोरबा पश्चिम। कोरबा पश्चिम, जहां पर आपके 210 मेगावाट की 4 इकाइयां मौजूद है, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इसका मिलेगा 840 मेगावाट। ठीक है, इसकी क्षमता है 840 मेगावाट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, जहां पर 250 मेगावाट की 2 यूनिट मौजूद है, टोटल है आपके 500 मेगावाट इसकी क्षमता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। कोरबा पश्चिम विस्तार, जहां पर 500 मेगावाट की 1 यूनिट मौजूद है, टोटल क्षमता है 500 मेगावाट। और मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र, जहां पर जो है आपके 500 मेगावाट की 2 यूनिट मौजूद है, टोटल क्षमता होगी 1000 मेगावाट। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस सभी को ऐड करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 3280 मेगावाट, 3280 मेगावाट। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने लगाया हुआ है स्टार, ठीक है, स्टार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल तक जो है प्रदेश की जो तापीय विद्युत क्षमता थी वो थी 3280 मेगावाट, लेकिन पिछले साल ही जो है आपकी कोरबा सेकंड की ये जो चारों इकाइयां है इसे डीकमीशन कर दिया गया है, यानी इसे बंद कर दिया गया है, जिसके कारण जो है ये जो विद्युत क्षमता है हमारे प्रदेश की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता में 200 मेगावाट की कमी दर्ज की गई। तो पहले जो कि आपके 24.70 मेगावाट था वो अब हो गया है 32.24.70 मेगावाट, और ये कमी किसमें हुई है, तापीय क्षमता में कमी हुई है। तो पहले जो 3280 मेगावाट था वो अब रह गया है आपका 3080 मेगावाट। और अभी भी बहुत सारे लोग पुराने डाटा को याद कर रहे हैं, ये गलती नहीं करना है। इकोनॉमिक सर्वे में क्लियरली मेंशन है प्रदेश की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता 3240 मेगावाट, जबकि आपका तापीय विद्युत क्षमता है 3080 मेगावाट। ठीक,
तो इसको अगर हम हटा देंगे तो बाकी बचे हुए ये आपका 1000 है और ये 500 1000 2000 हो गया, 800 प्लस 200 ठीक है, ये हो गया आपका 3000 प्लस 200 3200 और ये इसको ऐड कर दोगे तो 80, तो 3280 जो है ये आपका तापीय विद्युत क्षमता है, जिसमें से ये जो है आपका डीकमीशन हो गया है तो 200 माइनस कर देंगे तो आपका 3080 मेगावाट मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए जलीय विद्युत क्षमता, प्रदेश की जो आपके जल विद्युत गृह है पहले वो कहाँ कहाँ पर देख लीजिए, एक है आपके हसदेव बांगो डैम जो कि आपके कोरबा जिले में है, दूसरा है गंगरेल, तीसरा है सीकासार और चौथा है आपका कोरबा पश्चिम, इसका भी परिचालन वर्ष याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। देखिए ये जो आपका हसदेव बांगो डैम है यहाँ पर जो है 40 मेगावाट की यहाँ पर आपकी 3 इकाइयाँ मौजूद है, 40 मेगावाट की यहाँ पर 3 इकाइयाँ मौजूद है, इसकी क्षमता है आपका 120 मेगावाट, जबकि गंगरेल में आपके 2.5 मेगावाट की 4 इकाइयाँ मौजूद है, इसकी क्षमता है 10 मेगावाट, तीसरा है सीकासार जहाँ पे 3.5 मेगावाट की 2 इकाइयाँ मौजूद है, इसकी क्षमता है 7 मेगावाट, और चौथा है कोरबा पश्चिम जहाँ पे 0.85 मेगावाट की 2 इकाइयाँ मौजूद है, टोटल होगा 1.70 मेगावाट। यह है प्रदेश की आपकी जलीय विद्युत क्षमता, इस सभी को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 138.70 मेगावाट। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा किसकी क्षमता ज्यादा है, हसदेव बांगो की क्षमता ज्यादा है, हसदेव बांगो जिसे अन्य नाम से जाना जाता है आपके मिनी माता के नाम से, ठीक है, हसदेव बांगो डैम का जो दूसरा नाम है वो है आपका मिनी माता जलाशय, तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है 120 मेगावाट के साथ हसदेव बांगो, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सा है, तो वो है मिनी माता या हसदेव बांगो परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अन्य जिसके अंतर्गत है आपके भोरमदेव सह उत्पाद, भोरमदेव शक्कर कारखाना जो है उसमें जो गन्ने की जो भूसी निकलती है उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है 6 मेगावाट का, इस प्रकार से प्रदेश की जो है टोटल विद्युत क्षमता है 3224.70 मेगावाट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कृषक जीवन ज्योति योजना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि ये आपका प्रारंभ कब हुआ, आया हुआ प्रश्न है, कृषक जीवन ज्योति योजना ये आपका 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना को प्रारंभ किया गया, दो बार ये जो प्रश्न है आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, कृषक जीवन ज्योति योजना कब प्रारंभ किया गया पूछा जाए तो 2 अक्टूबर 2009 को जो है आपका कृषक जीवन ज्योति योजना प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, कृषि पंप विद्युत खपत पर छूट देना, किसान जो अपने खेतों में सिंचाई के लिए जो पंप यूज करते हैं, कृषि पंप यूज करते हैं तो उसमें जो आपका विद्युत का जो खपत होता है, जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, तो उनके विद्युत खपत में उन्हें छूट प्रदान करना ताकि उनका बिजली बिल ज्यादा ना आए। तो ध्यान दीजिएगा इस आपके कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 3 HP यानी कि 3 हॉर्स पावर तक के पंपों पर आपका 6000 यूनिट प्रति वर्ष जो है आपके विद्युत खपत पर छूट दी जाएगी, यानी कि 6000 यूनिट तक जो है ये आपके मुफ्त विद्युत जो आपकी बिजली है उसका उपयोग कर सकते हैं, 6000 यूनिट से ज़्यादा यूज करने पर उस पर जो है उन्हें बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन एक साल में ये जो है आपके 6000 यूनिट तक जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। 3 से 5 हॉर्स पावर तक के जो पंप है, यानी कि 3 से ज़्यादा और 5 से कम, यानी कि 5 हॉर्स पावर तक के जो 3 से 5 हॉर्स पावर तक के जिनके पास आपके कृषि पंप मौजूद है उन्हें 7000 यूनिट प्रति वर्ष आपके विद्युत खपत में छूट प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा नवंबर 2019 तक की स्थिति में इस योजना से लाभान्वित होने वालों की संख्या है 5.20 लाख। ठीक है, 5.20 लाख जो है इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित है नवंबर 2019 तक की स्थिति में। इसमें डेट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, और ये जो छूट प्रदान किया जा रहा है ये छूट भी इंपॉर्टेंट है, अभी तो फिलहाल इसमें काफ़ी चेंज हुए हैं, इसमें जो है आपके जो नियमित दर के स्थान पर जो है आपके फ्लैट रेट की भी सुविधा जो है आपकी राज्य सरकार ला दी है। ठीक है, उसका भी आपको एक फोटो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, वहां से देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एकल बत्ती कनेक्शन योजना है, BPL एकल बत्ती कनेक्शन योजना, यहाँ ध्यान दीजिएगा BPL यानी कि बिलो दी पावर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले जो आपके विद्युत उपभोक्ता, जो बिजली के जो उपभोक्ता है प्रदेश में, उन्हें एकल बत्ती कनेक्शन धारी, एकल बत्ती यानी कि सिंगल फेज, जो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है वो सिंगल फेज, डबल फेज, ट्रिपल फेज, इस आधार पर किया जाता है, तो जो BPL यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले एकल बत्ती कनेक्शन धारी यानी कि सिंगल फेज यूजर जो है उन्हें आपका 30 यूनिट निःशुल्क विद्युत मुहैया, निःशुल्क जो है आपकी विद्युत खपत उन्हें प्रदान किया जाएगा, यानी कि मान लीजिए कोई BPL एकल बत्ती कनेक्शन धारी है
उसने जो है एक महीने में 70 यूनिट जो है उसने विद्युत का खपत किया। तो 70 में से 30 यूनिट जो है 70 यूनिट में से 30 यूनिट पर उसे कोई भी बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। 70 में से 30 यूनिट पे कोई भी आपका बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो 70 में से 30 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 40। केवल 40 यूनिट का जो है उसे बिजली बिल देना पड़ेगा। तो यह है एकल बत्ती कनेक्शनधारी। प्रश्न पूछा भी गया है कि प्रदेश में एकल बत्ती कनेक्शनधारियों को कितने यूनिट जो है आपके विद्युत खपत पर छूट प्रदान की जाती है, तो वह है 30 यूनिट। ठीक है, 30 यूनिट पर छूट प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है आपका हाफ बिजली बिल योजना। प्रदेश सरकार द्वारा जो है पिछले साल हाफ बिजली बिल योजना प्रारंभ किया गया। डेट है 1 मार्च 2019 से ये पूरे प्रदेश भर में लागू हुआ। 1 मार्च 2019 से ये पूरे प्रदेश भर में लागू हुआ था। ठीक, देखिए इस हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत 400 यूनिट तक अगर कोई व्यक्ति जो है आपका विद्युत का खपत करता है 400 यूनिट तक, तो उसे उसके बिजली बिल में उसे 50% की छूट प्रदान की जाएगी। जो अगर कोई व्यक्ति जो है विद्युत का खपत 400 यूनिट तक रखता है, 0 से लेकर 400 यूनिट तक वो विद्युत का खपत करता है, तो उसका जितना भी बिजली बिल आएगा उस बिजली बिल का आधा ही केवल उसे भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि सरकार उसे 50% की छूट देगी। और 400 यूनिट से अगर किसी का ज्यादा हो गया तो जो वर्तमान में जो आपके प्रचलित दर चल रही है उस आधार पर ही उसे जो है भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, इससे सरकार का भी फायदा है और उपभोक्ता का भी फायदा है। सरकार का फायदा क्या हो रहा है कि लोग क्या है अपने आप को 400 यूनिट तक जो है लिमिट रखने के लिए कम विद्युत का खपत करेंगे, और जो है आम जनता का क्या फायदा हो रहा है कि उन्हें बिजली बिल में छूट मिल रहा है। तो यह है आपका हाफ बिजली बिल योजना जो कि 1 मार्च 2019 से प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत एकल बत्ती कनेक्शनधारी और फ्लैट रेट वालों को भी जो है इसके इस योजना के दायरे के अंतर्गत रखा गया है। देखिए, एकल बत्ती कनेक्शनधारी जिसे 30 यूनिट तक जो है आपके निःशुल्क उन्हें जो है बिजली मुहैया कराया जा रहा है, यानी कि बिजली बिल पे जो है 30 यूनिट तक के खपत पर कोई भी उनसे चार्ज नहीं लिया जा रहा, तो ध्यान दीजिएगा 30 यूनिट तक का जो है इन्हें तो निशुल्क रहेगा, और 30 यूनिट के बाद जो अतिरिक्त यूज करेंगे उसका जो है आकलित बिल जो आएगा उस आकलित बिल पर भी 50% छूट प्रदान किया जाएगा इन एकल बत्ती कनेक्शनधारियों को। यानी कि इस हाफ बिजली बिल योजना का जो लाभ है ये बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शनधारियों को भी मिलेगा। और एक है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट योजना क्या है, सरकार क्या करती है, बहुत से जो छोटे छोटे जो झुग्गी बस्तियां रहती है वहां पर वो बिजली बिल वहां पर जो है उनके लिए बिजली बिल जारी नहीं करती, उनसे 100 रुपए महीना वसूलती है। ठीक है, उनसे जो है 100 रुपए महीना वसूलती है, और उस 100 रुपए महीने के आधार पर वो जितना भी आपका विद्युत का उपयोग करे, ठीक है, उसका भी अपना एक क्राइटेरिया होता है कि घर में एक बल्ब होना चाहिए, ये जो है आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होना चाहिए, केवल उन्हें ही फ्लैट रेट की सुविधा मिलती है, वो अलग मैटर है। लेकिन फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत सरकार जो है छोटे छोटे जो झुग्गी बस्तियां रहती है उनसे हर महीने 100 रुपए वसूलती है, और उस 100 रुपए के एवज में वो जितना चाहे उतना इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इन्हें भी जो है इस हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इनसे अब 100 रुपए न वसूलते हुए उनसे 50 रुपए महीना वसूलेगी सरकार। तो ये है आपके विद्युत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डाटा। नेक्स्ट है आपका परिवहन। ठीक है, परिवहन यानी कि इसमें मेन हम देखते हैं आपके सड़कें। ठीक है, हमारे प्रदेश में जो सड़कों की लंबाई है वो मार्च 2019 तक की स्थिति में, एक है NH नेशनल हाईवे, दूसरा है SH जो आपके स्टेट हाईवे, तीसरा है DH यानी कि डिस्ट्रिक्ट हाईवे, और चौथा है विलेज यानी कि जो ग्राम के जो सड़कें रहती है गांव और अन्य जो सड़कें हैं उनकी लंबाई। नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है हमारे प्रदेश में 35-26 किलोमीटर। 35-26 किलोमीटर हमारे प्रदेश में जो है आपके नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। नेक्स्ट है स्टेट हाईवे यानी कि राजकीय राजमार्ग, इसकी लंबाई है 41-76 किलोमीटर। 41-76 किलोमीटर राजकीय राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे की लंबाई है। तीसरा है डिस्ट्रिक्ट हाईवे यानी कि जिला राजमार्ग की जो लंबाई है वो है 11,501 किलोमीटर। नेक्स्ट है विलेज एवं अन्य यानी कि गांव तथा अन्य जो सड़कें छोटी मोटी उनकी लंबाई है 13,729 किलोमीटर। टोटल ऐड करेंगे तो 32,932 किलोमीटर, 32,932 किलोमीटर कुल सड़कों की लंबाई है मार्च 2019 तक की स्थिति में। ठीक, तो यह है आपका पूरा का पूरा अध्याय 11 विद्युत एवं आधारभूत संरचना। और क्वेश्चन जो है जितना हम डाटा पढ़े हैं उसी के इर्द गिर्द अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।